A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my dawn. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Undermining Justice. देखो, undermine का मतलब होता है ignore करना, अनदेखा करना. Justice, न्याय हो गया. तो मतलब न्याय को अनदेखा करना. On vacancies in courts and tribunals. देखो, vacancies in courts and tribunals. Tribunals का मतलब हो गया a type of court which the authority to decide who is right in particular types of dispute or disagreement. So tribunals का मतलब हम कह सकते हैं एक type का ये जो business courts होते हैं, business related जो issues होते हैं, तो इस तरह के courts को हम tribunals कह सकते हैं जहां पर इस तरह के issues को या commercial issues को क्या किया जाता है, उन disputes को solve किया जाता है. And on vacancies in courts, तो फिलहाल अगर बात की जाए जो courts हैं हमारे, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी vacancies अभी भी क्या पड़ी है, vacant पड़ी है. और एट द सेम टाइम और जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनका वर्डिक्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. उनका जो रिजल्ट आता है, उनका जो जजमेंट आता है, वो जजमेंट बहुत देरी से आता है. हालांकि हमारे पास अगर बात की जाए वैकेंसीज की, तो बहुत सारी वैकेंसीज अभी वैकेंट पड़ी है, तो उसके बावजूद भी उन वैकेंसीज को फिल नहीं किया जाता है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए दैट द अनयूजुअल डिले, कि जो एक अनयूजुअल स्ट्रेंज डिले देरी इन फिलिंग अप वैकेंसीज इन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. देखिए, अगर बात की जाए तो सरकार को इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो एक अनयूजुअल डिले है, ये मतलब एक देरी दिखाई पड़ रही है किसके अंदर, जो हमारे कोर्ट्स है या ट्राइब्यूनल्स है वहां पर वैकेंसीज को फिल नहीं किया जाता है. हालांकि वहां पर वैकेंसीज वैकेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी उन वैकेंसीज को फिल नहीं किया जाता है. तो सरकार को इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो डिले है, ये जो पर्टिकुलर वैकेंट पोजिशन है इन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स के अंदर, तो इनको फिल क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार को इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए. इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब ये समय समय की बात है. इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, ये डिस्प्यूट जो हुआ ओवर द यूनियन गवर्नमेंट, जहां तक सरकार की बात की जाए, डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट. जुडिशियल मतलब न्यायिक अपॉइंटमेंट, मतलब किसी को जॉब पे लगाना, हिट द हेडलाइंस अगेन. और मतलब ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसके अंदर अगर बात की जाए कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, ट्राइब्यूनल्स के अंदर, बहुत ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि वैकेंट पड़ी है और उनको फिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिले कर रही है, देरी दिखा रही है इन पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल करने के लिए. और ये दोबारा से क्या बन गया, हिट द हेडलाइंस अगेन. और दोबारा से ये क्या हो गया, एक हेडलाइन बन चुका है कि जो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं या जितने भी ज्यादा केसेस जिनके वर्डिक्ट्स बहुत लेट आते हैं, इतने सारे वैकेंसीज वैकेंट होने के बावजूद भी सरकार इन पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल अप क्यों नहीं करती है, तो ये वाला जो इश्यू है, ये वाली जो कॉन्ट्रोवर्सी है, दोबारा से हेडलाइन के अंदर आ गई है. इन रिसेंट डेज, फिलहाल के दिनों की अगर बात की जाए, द सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो उच्च न्यायालय की बात की जाती है, अपेक्स कोर्ट, सबसे सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, has voiced का मतलब आवाज उठाना, concern चिंता over the government lackadaisical attitude. lackadaisical का मतलब हो गया careless and lazy. तो फिलहाल अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है सरकार के lackadaisical attitude की तरफ, कि सरकार का जो attitude है वो बहुत ज्यादा careless और lazy है towards the large number of vacancies in high courts, क्योंकि high courts के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, बहुत बड़े number के अंदर vacancies खाली पड़ी है. and tribunals, tribunals मतलब जो कि आप बोल सकते हो
जो कमर्शियल कोर्ट्स होते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज अभी वैकेंट पड़ी है, और हालांकि सरकार की तरफ से उन वैकेंसीज को फिलअप भी नहीं किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं N.V. रमना, कन्फ्रंटिंग का मतलब सामना करना द गवर्नमेंट विद अ लिस्ट ऑफ 240 वैकेंसीज वेरियस ट्राइब्यूनल्स। और बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा है कि 240 वैकेंसीज पड़ी है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, इंडिया के अंदर अगर बात की जाए 240 ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं जहां पर वैकेंसीज खाली पड़ी है। और इस बात का खुलासा किसने किया है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है N.V. रमना, उन्होंने इस बात का कन्फ्रंट किया है, सामना किया है किसका, गवर्नमेंट का। ही आस्क्ड, और उन्होंने पूछा रादर ब्लंटली, ब्लंटली मतलब शार्पली, रूडली, और उन्होंने सरकार से साफ साफ शब्दों में पूछा वेदर देयर वाज अ प्लान टू क्लोज डाउन द सम ट्राइब्यूनल्स, कि क्या सरकार का कोई ऐसा उद्देश्य है, क्या सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग है कि क्या वो कुछ ट्राइब्यूनल्स को क्लोज डाउन करने वाली है, उनको बंद करने वाली है। अगर सरकार का ऐसा उद्देश्य है तो बताएं। मैनी ट्राइब्यूनल्स, अब बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स लैक प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रेजाइडिंग का मतलब होता है बी इन चार्ज, मतलब वहां पर जो इंसान चार्ज में है, मतलब वहां पर अथॉरिटी की अगर बात की जाए, तो कुछ ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं वहां पर ऑफिशियल है ही नहीं, वहां पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स है ही नहीं, मतलब उसको टैकल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वहां पर कोई ऑफिशियल बंदा है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स भी हैं। एंड रिकमेंडेशन, और ये सरकार की तरफ से जो जो कोर्ट की तरफ से जो रिकमेंडेशन की गई मेड बाय द सिलेक्शन कमेटी, और जो सिलेक्शन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की सरकार से कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, वहां पर अभी बहुत सारी वैकेंसीज क्या है खाली पड़ी है, तो उनको फिलअप करना चाहिए, जिससे कि जो लोगों को वर्डिक्ट मिलता है उसमें देरी ना हो, लोगों को जो जस्टिस मिलता है उसके अंदर देरी ना हो, हैव नॉट बीन एक्टिव अपॉन। और जैसा उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कमेटी ने, हैव नॉट बीन एक्टिव अपॉन, उसके अनुसार एक्ट नहीं किया गया, उसके अनुसार काम नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी ये कैसा एटीट्यूड दिखाता है, लैक डेजिकल एटीट्यूड दिखाता है, जो कि केयरलेस और लेजी एटीट्यूड है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, मस्ट आपकी मॉडल वर्ब होगी जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है, एंड आफ्टर दैट आपने मस्ट के बाद आपने वी वन यूज कर लिया, तो जनरली हम मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म वी वन यूज कर लेते हैं। हैज वॉइस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। देन वी हैव आस्क्ड, वी टू, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। देन क्लोज डाउन, क्लोज डाउन टू क्लोज डाउन आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, टू प्लस वी वन। एंड हैव नॉट बीन एक्टेड अपॉन, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर, और हैव के बीन के बाद देखा आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, एक्ट का एक्टिव, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकेंड स्लाइड। द वैकेंसीज इन हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी है, आर एट स्टेगरिंग 455। स्टेगरिंग का मतलब हो गया अस्टाउंडिंग, चौंका देने वाली। और हाई कोर्ट्स के अंदर कम से कम 455 के आसपास जो वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है एज ऑन अगस्त 1। ये जो आंकड़ा है 1 अगस्त तक का आंकड़ा बताया गया है, 455 हाई कोर्ट्स के अंदर वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है। इट अपियर्स, ऐसा दिखता है दैट एग्जोर्टेशन, एग्जोर्टेशन का मतलब होता है इंसाइटमेंट, प्रोत्साहन देना फ्रॉम द कोर्ट्स, मानो कि ये जो प्रोत्साहन दिया गया कोर्ट्स की तरफ से, इवन ए जुडिशियल ऑर्डर, हालांकि एक जो न्यायिक आदेश भी निकला था, ऑर्डर निकला था फ्रॉम द टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के अंदर एक आदेश भी जारी किया था फिक्सिंग द टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम को फिक्स किया जाए फॉर द इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो है उसके टाइम, मतलब उसका फिक्सिंग टाइम फ्रेम, उसका टाइम फ्रेम को फिक्स किया जाए। एंड द गवर्नमेंट टू प्रोसेस नेम्स, और गवर्नमेंट क्या करे, वो प्रोसेस करे नाम को, नेम्स को, फॉरवर्डेड बाय द क्लेजियम। क्लेजियम क्या होता है, देखो क्लेजियम एज अ कमेटी और काउंसिल, काउंसिल ऑफ जजेस कह सकते हो, राइट। तो क्या करे, उन लोगों के नाम को फॉरवर्ड करे फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द हाई कोर्ट, जिन लोगों को हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट करना है,
कैलेजियम उन नाम कैलेजियम जो है उन लोगों के नाम फॉरवर्ड करें जिनको हाई कोर्ट्स के अंदर जिनका क्या होना है अपॉइंटमेंट होना है, और रिटर्निंग फाइल्स और जो फाइल्स वापस हुई हैं, और एक्सेप्टिंग नेम्स या फिर नेम को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, रिट्रीटिंग रिट्रीट मतलब दोहराना बाय द जजेस बॉडी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या की है, जजेस बॉडी ने इसको रिट्रीट किया, हैज नॉट बीन इम्पार्टेड। और ये जो सारी की सारी चीजें ऊपर बताई गई है, हैज नॉट बीन इम्पार्टेड, इम्पार्ट का मतलब डिलीवर करना, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। और ये सारी की सारी चीजें मतलब जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया, कलेजियम ने मतलब जो कलेजियम जो है उन्होंने क्या किया अपॉइंटमेंट्स के लिए हाई कोर्ट्स को, जो हाई कोर्ट्स के जो वैकेंसी हाई कोर्ट्स में जो जो वैकेंसीज थी वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स होने थे उनके नाम फॉरवर्ड किए। एट द सेम टाइम अगर बात की जाती है तो जजेस बॉडी ने भी क्या किया है, रिकमेंडेशन दिया। और ये सारे के सारे चीजें कहीं ना कहीं हैज नॉट इम्पार्टेड डिलीवर्ड ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। और सरकार ने इन सारी सब चीजों की प्रति कोई अर्जेंसी, कोई भी मतलब जल्दबाजी नहीं दिखाई, जल्दबाजी इन द सेंस उन्होंने इस बात को बहुत ही कैजुअल तरीके से लिया। टू जज बेंच, दो लोगों के दो जज थे, उनकी बेंच की बात की जाए, उनके पैनल की बात की जाए, हैज नॉटेड उन्होंने इस बात को नोट किया दैट द सेंटर्स डिले इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द हाई कोर्ट्स इज एडवर्सली अफेक्टिंग द एडजुडिशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। देखिए और सेंटर ने मतलब अगर ऑब्वियसली बात है टू जज का जो बेंच है पैनल है उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि सेंटर का जो डिले है कि सेंटर अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहा, हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे वैकेंसीज अभी वैकेंट पड़ी है और इसका एडवर्सली प्रतिकूल एडवर्सली बैडली अफेक्टिंग प्रभाव डालना एडजुडिक्शन। एडजुडिक्शन का मतलब हो गया जजमेंट वर्डिक्ट और कमर्शियल डिस्प्यूट। और जो मतलब कमर्शियल की अगर बात की जाए जो बिजनेस डिस्प्यूट्स है और जो बिजनेस के अंदर जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके अंदर जो जजमेंट आना चाहिए वो जजमेंट बहुत देरी से आ रहा है और एट द सेम टाइम इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रही है क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर अगर बात की जाए तो वहां पर उन जजेस की कमी है, वहां पर जो ऑफिशियल होना चाहिए जो इन वर्डिक्ट्स जो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे उनकी वैकेंसीज वैकेंट है लेकिन उनको वहां पर अपॉइंट नहीं किया गया है तो इसका एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। द जुडिशरी कंसर्न और जो न्यायपालिका का जो कंसर्न है चिंता है ओवर द वैकेंसीज, ये वैकेंसीज को लेकर इन द ट्राइब्यूनल्स इज क्वाइट जस्टिफाइड। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका का जो एक कंसर्न है कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है और उसका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जस्टिफाई है, न्याय संगत है। एज दी जुरिसडिक्शन मतलब आपका लीगल पावर, आपका जो वैधानिक जो आपका जो वैधानिक जो एक पावर होती है शक्ति होती है प्रीवियसली एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट्स इज नाउ बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द ट्राइब्यूनल्स। देखिए पहले ही जो कमर्शियल जो इश्यूज होते थे वो हाई कोर्ट्स उनको एक्सरसाइज करती थी, हाई कोर्ट्स उनको क्या करती थी उसको टैकल करती थी, लेकिन अभी ये जो बिजनेस रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है या कमर्शियल डिस्प्यूट्स है अब इनको ट्राइब्यूनल्स जो कोर्ट्स हैं जो कि स्पेशली किन के लिए बनाई गई है, जो बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए बनाई गई है वो इनको टैकल करेगी, वो इनको एक्सरसाइज करेगी। एंड फेलियर टू एडजुडिकेट का मतलब यहाँ पे वर्डिक्ट देना और डिस्पोज ऑफ डिस्प्यूट इन दीज फील्ड्स वुड अमाउंट टू डिनाइल जस्टिस टू द पार्टीज। देखिए अब हो क्या रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट्स के अंदर अगर बात की जाए या ट्राइब्यूनल्स के अंदर बात की जाए तो नंबर ऑफ जजेस की जो है कमी है, वैकेंसीज वैकेंट है लेकिन वहां पर उनको फिल नहीं किया गया है तो इससे क्या होगा, फेलियर टू एडजुडिकेट। एडजुडिकेट का मतलब हो गया वर्डिक्ट देना, मतलब किसी का जजमेंट देना, जजमेंट देने में देरी होगी। डिस्पोज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्पोज का मतलब किसी को चीज को ठिकाने लगाना हो गया। और जो डिस्प्यूट है जो कलह है मान लो अलग अलग पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का कोई बिजनेस डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। एंड दीज इन दीज फील्ड्स वुड अमाउंट टू का मतलब इक्वल टू डिनाइल, डिनाइल का मतलब मना होना,
जस्टिस न्याय टू द पार्टीज। और ऑब्वियसली बात है अगर अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर वहां पर ट्राइब्यूनल्स के अंदर या कोर्ट्स के अंदर जजेस ही नहीं होंगे तो ये एक तरह से न्याय को मना करने जैसी बात है, राइट। ऑब्वियसली बात है वहां पर कोई इन इन जो इश्यूज को इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए कोई वहां पर ऑफिशियल होगा ही नहीं, तो एक तरीके से ये डिनाइल होगा उन पार्टीज के लिए और उन पार्टीज को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो हालांकि अगर बात की जाए ट्राइब्यूनल्स के अंदर हाई कोर्ट्स के अंदर वैकेंसीज वैकेंट है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बहुत ही लेजी एटीट्यूड दिखाया गया है और उन वैकेंसीज को अभी फिलअप नहीं किया गया है। इसका एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रामर पार्ट। देखिए स्टैगरिंग यहाँ पर हो गया वी वन प्लस आई एन जी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। फोर एक्सेप्टिंग, फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया और उसके बाद एक्सेप्टिंग अपने वी वन प्लस आई एन जी जो कि आपका जेरंड हो गया। Has not imparted आपका present perfect हो गया, has के बाद अपने third form use कर लिया impart का। Then we have is now being exercised, ये आपका passive structure हो गया, present continuous passive structure हो गया। Would amount to मतलब होता है equal to, amount हमेशा अपने साथ to लेकर चलते हैं और would आपका modal verb हो गया, right? Now let us move on to third slide. The present regime, तो present regime की बात की जाए सिस्टम, जो वर्तमान का जो सिस्टम है, जो वर्तमान का जो सिस्टम सेट किया है सरकार ने, ईगरनेस इच्छा दिखाना टू अंडरमाइन किसी चीज को कम करके दिखाना, अंडरमाइन द इंडिपेंडेंट आजादी फंक्शनिंग काम करना ऑफ ट्राइब्यूनल्स ट्राइब्यूनल्स इज क्वाइट अपेरेंट। देखिये ऑब्वियसली बात की जा रही है कि लेकिन जो फिलहाल का जो सिस्टम है, फिलहाल का जो सिस्टम है, जो रिजिम है, मतलब ये गवर्नमेंट की जो ईगरनेस साफ साफ दिखाई पड़ती है कि जो ये ट्राइब्यूनल्स है जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शनिंग करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को क्या करें, अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी फंक्शनिंग को कम किया जा रहा है, क्वाइट अपेरेंट ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं सरकार का जो एक लेजी एटीट्यूड है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इससे जो ट्राइब्यूनल्स की जो फंक्शनिंग है, उसका कार्य करने की जो शैली है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, कम इन द सेंस उसको हैम्पर किया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। इट हैज बीन रिपीटेडली मतलब लगातार रिपीट करना किस चीज को, इट हैज बीन रिपीटेडली फ्रेमिंग रूल्स, और ये जो लगातार सरकार की तरफ से रूल बनाए जा रहे हैं, दैट सीक्स टू का मतलब लुक फॉर प्रोवाइड फॉर ग्रेटर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द टेन्योर, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, इमुलेंट्स का मतलब हो गया आपका अ पेमेंट दैट इज मेड स्पेशली इन मनी और एनी अदर फॉर्म फॉर योर सर्विसेस, और आपको जो मेहताना मिलता है आपके काम के प्रति, जो आपको मेहताना मिलता है उसको बोलते हैं हम इमोल्यूमेंट्स। एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और किस जो आपकी जो सर्विस रहेगी वो किस किस कंडीशंस के अंदर रहेगी, टर्म एंड कंडीशंस की बात की जा रही है। ऑफ दोज मैनिंग का मतलब दोज हु आर इन चार्ज टेक सर्टेन चार्ज ऑफ ए जॉब द ट्राइब्यूनल्स। अब ऑब्वियसली बात है यहां पर मतलब कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना इंटरफेरेंस यहाँ पर दिखाना चाहती है, देखिए, और अलग अलग तरह के रूल्स को फ्रेम कर रही है, और वो क्या करना चाह रही है, वो जो ट्राइब्यूनल्स है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, उसके कार्यकाल को लेकर, टेन्योर को लेकर, उनके इमोल्यूमेंट्स को लेकर, उनके जो मेहताना है उसको लेकर, और उनकी जो कंडीशंस रहेगी काम करने की वो उनको लेकर, एट द सेम टाइम जो ऑफिशियल्स है जो कि वहां पर इंचार्ज है ट्राइब्यूनल्स के ऊपर, तो इन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल लेना चाहती है, अपना मतलब कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है, और ये रवैया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया दिखाई पड़ता है। इफ स्पेशलाइजेशन डोमेन एक्सपर्टीज आर रिलेटिवली क्विकर एडजुडिक्शन आर द रीजन फॉर विच सर्टेन काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स आर बींग रिजोल्व थ्रू ट्राइब्यूनल्स। These purposes are lost. देखे, if specialization domain expertise, और मतलब जो जो expertise की अगर बात की जाए, expert लोगों की बात की जाए, जो special domain के अंदर, एक special क्षेत्र के अंदर बात की जाए, relatively quicker
क्विकर और जुडिक्शन, और जुडिक्शन का मतलब हो गया आपका वर्डिक्ट, जजमेंट आर द रीजन फॉर विच सर्टेन काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स आर बीइंग रिजॉल्व। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज होगी किनको सॉल्व करने के लिए, ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक क्या होगी, एक डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेसिफिक एक्सपर्टीज होगी, एक्सपर्ट्स होंगे, तो ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको इजिली क्या किया जाएगा, रिजोल्व किया जा सकेगा थ्रू ट्राइब्यूनल्स। जो ट्राइब्यूनल्स के अंदर अगर हमें स्पेसिफिक लोगों की, एक्सपर्ट लोगों का अगर हम वहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, उनको बहुत इजिली, बहुत जल्दी से उनको रिजोल्व किया जा सकेगा। दीज पर्पसेस आर लॉस्ट, लेकिन अगर ये, अगर दीज पर्पसेस आर लॉस्ट इफ द बॉडीज आर रेंडर्ड नियरली डिसफंक्शनल थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज। डिसफंक्शनल का मतलब हो गया इम्पेयर, निष्क्रिय करना, लेकिन ये जो पर्पस है कि हम, मतलब ये जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है इनको जल्दी से हम रिजोल्व कर सके, ये क्या होगा, ये इसका जो एक्चुअल जो एक, मतलब एक पर्पस है, उद्देश्य है, वो खत्म हो सकता है। क्यों? इफ बॉडीज आर रेंडर्ड, क्योंकि ये जो बॉडीज है, मतलब ये जो ट्राइब्यूनल्स की अगर बात की जाए, रेंडर्ड का मतलब प्रोवाइडेड नियरली डिसफंक्शनल थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर बहुत बड़ी नंबर के अंदर अभी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है, और जो हमारा पर्पस है कि हम जल्दी से जल्दी क्या करें, वर्डिक्ट दे, जस्टिस दे, और जितने भी ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स हैं, बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए। लेकिन इन लैक ऑफ जजेस, अगर बात की जाए लैक ऑफ ऑफिशियल्स इन दिस ट्राइब्यूनल्स, और इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर अगर लैक ऑफ ऑफिशियल्स होंगे, जज होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इन जो बिजनेस डिस्प्यूट्स है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, उनको जल्दी से सुलझाया नहीं जा सकेगा, उनको जल्दी से रिजोल्व नहीं किया जा सकेगा। टू कंपाउंड, टू मेक इट डिफिकल्ट, कंपाउंड का मतलब डिफिकल्ट हो गया, टू मेक इट डिफिकल्ट द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा मुश्किल करना, द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन इनएक्सप्लिकेबली, देखो इनएक्सप्लिकेबली का मतलब है स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से, रिलेक्टेंट का मतलब विलिंग टू क्रिएट नेशनल बॉडी, और मतलब सरकार की तरफ से इस समस्या को और भी ज्यादा मुश्किल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनएक्सप्लिकेबली का मतलब हो गया स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से, रिलेक्टेंट मतलब, रिलेक्टेंट का मतलब कहीं ना कहीं इच्छुक दिखाई पड़ना, क्रिएट, और सरकार क्या कर रही है, क्रिएट अ नेशनल बॉडी, वो एक नेशनल बॉडी बनाने की बात कर रही है, फॉर ओवरसीइंग, जो क्या करेगी, एनालाइज करेगी द वर्क रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, जो मतलब कोर्ट्स के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स किए जाने उस काम को वो देखेगी, ऑफ द मेंबर्स ऑन ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स के अंदर किन किन को अपॉइंट किया जाना है, एज वेल एज द अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब हो गया यहाँ पर इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना ऑफ देयर फंक्शनिंग, और किस तरीके से वो जो अपॉइंट किए गए हैं लोग ट्राइब्यूनल्स के अंदर उनके अपॉइंटमेंट को कंसिडर करेगी, और उनका जो फंक्शनिंग है, उनका काम करने का जो तरीका है, उसको अप्रेज करेगी, उसको इवेल्युएट करेगी, मूल्यांकन करेगी। तो ये जो सरकार का रवैया है, कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, और सरकार ने इस तरीके रवैये से इस काम को थोड़ा और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है, राइट। और सरकार कंसीडर कर रही है कि वो एक नेशनल बॉडी बनाए जो कि अपॉइंटमेंट का एट द सेम टाइम अप्रेजल का काम देखे उन ऑफिशियल्स को जिनको ट्राइब्यूनल्स के अंदर अपॉइंट किया जाता है, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। टू अंडरमाइन यहाँ पर हो गया टू प्लस वी वन, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, has been repeatedly framing, ये आपका हो गया present perfect continuous, an action we started in past but till now it is in progress, are lost, ये आपका passive structure हो गया, be plus third form आपने use कर लिया, related to, relate आपने हमेशा सब अपने साथ to लेकर चलता है, so this is our third slide, now let us move on to our fourth slide, this is our last slide, as far as higher judiciary appointments, और जहां तक मतलब हाइयर की बात की जाए, मतलब हाई कोर्ट्स की बात की जाए, जुडिशरी न्यायपालिका अपॉइंटमेंट्स जॉब पर लगाना आर कंसर्न, और जहां तक मतलब जो हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स की बात को लेकर अगर इस बात को कंसर्न किया जाए, देर इज अ लिटल टू इनलाइटन का मतलब है मेक अंडरस्टैंड, समझाना द पब्लिक, और ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा लोगों को, क्योंकि
क्योंकि ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा लोगों को ऑन व्हाट इज कोजिंग द डिले, कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है लेकिन सरकार की तरफ से अभी उन वैकेंसीज को फिल अप नहीं किया गया है। इसके पीछे का डिले के पीछे का रीजन क्या है और इस बात को पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। वेदर इट इज अ डिस्प्यूट ओवर द अनडाउटेडली प्रॉब्लमेटिक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, और क्या ये डिस्प्यूट है, क्या ये मतलब आपस में एक तरह का कलह है या डिस्प्यूट है। अनडाउटेडली निसंदेह प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम, मेमोरेंडम का मतलब हो गया अ रिटन प्रपोजल और रिमाइंडर, और डिजायर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब करना, अधीन करना, द क्लेजियम रिकमेंडेशन टू इट्स ऑन पॉलिटिकल स्क्रूटनी इज नॉट क्लियर। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सरकार का अभी पता नहीं चल रहा क्या ये जो डिस्प्यूट्स है, ये जो डिले किया जा रहा है, तो क्या ये मेमोरेंडम को लेकर है, क्या ये प्रस्ताव को लेकर है, क्या वो जो प्रस्ताव है प्रोसीजर उसके डिले को लेकर है, या सरकार का जो यूनियन गवर्नमेंट का है, जो अगर बात की जाए क्या वो इन कलेजियम जो रिकमेंडेशन है, जो कलेजियम मतलब काउंसिल रिकमेंडेशन वाला सुझाव देना कि किन किन जजेस को अपॉइंट किया जाना है, ये सारी के सारी चीजें जो यूनियन गवर्नमेंट है अपनी पॉलिटिकल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब यहाँ पे रिव्यू करना, समीक्षा करना, इज नॉट क्लियर। क्या सरकार ये जो पॉलिटिकल स्क्रूटनी है जो जजेस को अपॉइंट करना है, और जो कलेजियम की जो रिकमेंडेशन है, क्या इन सभी चीजों को पॉलिटिकल स्क्रूटनी क्या अंडर लाना चाहती है, क्या वो राजनीतिक जो एक समीक्षा होनी चाहिए क्या उसके अंदर इसको लाना चाहती है। इन शॉर्ट क्या ये जो जुडिशियल सिस्टम है और ये अपॉइंटमेंट किया जाना है, क्या सरकार अपने राजनीतिक समीक्षा के अंदर इसको लाना चाहती है। इट मींस कहीं ना कहीं सरकार अपनी पावर को शो कर रही है और सारी चीजों को वो क्या करना चाह रही है, सेंट्रलाइज करना चाह रही है। द डिले इज कॉजिंग, और इस तरह का जो डिले है, द डिले इज कॉजिंग ग्रेट हार्म टू इंडिया जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, और मतलब ये जो डिले किया जा रहा है कि हमारे पास वैकेंसीज वैकेंट है लेकिन वहां पर अभी जजेस को वहां पर अभी अपॉइंट नहीं किया गया है, और इसकी वजह से जो लोग हैं उनको जो जस्टिस मिलना चाहिए वो जस्टिस बहुत देरी से मिलता है, राइट। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो अगर वैकेंट पोस्ट वहां पर है तो उनको जल्दी से जल्दी फिल करना चाहिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इट इज अ सजेस्टिव आर्टिकल, कहीं ना कहीं ये सजेस्टिव आर्टिकल है, राइट। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट दिस स्लाइड। टू इनलाइटन आपका 2+V1 हो गया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, इस कॉजिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, इसके बाद आपने V1+ING यूज कर लिया, राइट। सो माई डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।